टमाटर, ये घाना के लिए लाल सोना साबित हो सकता था क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ है। यहाँ दशकों से टमाटर की खेती हो रही है, पर फिर भी आज घाना की टमाटर फैक्ट्रियाँ खाली हैं और ज्यादातर किसान देश छोड़कर जा रहे हैं। वजह यह है कि वैश्विक व्यापार नीति में बाकी उत्पादों की तरह ही टमाटर का इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए होने लगा है। अफ्रीका एक फायदेमंद बाजार है। यहाँ जहाज में लदकर औद्योगिक देशों से आने वाले डिब्बा बंद टमाटर, मिल्क पाउडर और फ्रोजन चिकन से काफी मुनाफा कमाया जाता है। वैश्विक व्यापार नीतियों के कारण घरेलू बाजार नष्ट हो रहे हैं। ये हालात लोगों को अपना देश छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं एडवर्ड। वे घाना की बजाय अब इटली में टमाटर की खेती करते हैं, पर बेहद दयनीय हालात में। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह तुम्हारे घर के कागजात पूरे हो जाएं। उन्नीस सौ सत्तावन में आजादी मिलने के बाद घाना ने टमाटर उद्योग खड़ा किया। देश अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए तत्पर था। लेकिन आज घाना के सारे टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट बंद हो चुके हैं, जिसमें पोलुगू का एक कारखाना भी शामिल है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे अस्थिर पावर ग्रिड, टमाटरों की साधारण किस्में और वैश्विक व्यापार नीतियाँ। आज इटली, चीन और उनके जैसे दूसरे देश भारी मात्रा में डिब्बा बंद और प्रोसेस टमाटरों को घाना भेज रहे हैं। ये अब भी ताज़ा दिखता है, इसीलिए मैं यहाँ रोज आना चाहता हूँ। मैं यहाँ की सिक्योरिटी में हूँ, यहीं सोता हूँ और जब थकान नहीं होती तब पानी भरकर इन फूलों में डालता हूँ। किसी ने ये करने को नहीं कहा, लेकिन ये मेरे लिए और सबके लिए भी अच्छा है, इसीलिए मैं ये करता हूँ। हम इस फैक्ट्री का हिस्सा हैं। ये दिखाता है कि ये फैक्ट्री अब भी जिंदा है, पूरी तरह खत्म नहीं हुई। पिछले साल मैंने लगभग 2 एकड़ में टमाटर उगाए थे। ईश्वर जानता है कि जिस तरह टमाटर यहाँ पड़े पड़े सड़ रहे थे वो बहुत खराब लगा। कोई खरीदार नहीं था और ये फैक्ट्री भी बंद पड़ी थी। ये देखकर मैं बस रोता रहा। विंसेंट अटिंगा अब टमाटर की बजाय प्याज की खेती करते हैं। वो पहले इस फैक्ट्री में भी काम करते थे। वो और दूसरे पूर्व कर्मचारी आज भी यहाँ आते हैं। वो इस जगह से नाता तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक जमाने में ये फैक्ट्री इस पूरे इलाके के लोगों की पालनहार थी। मुझे इस फैक्ट्री से जुड़ी काफी चीजें पता हैं। मैं इस फैक्ट्री का महत्व जानता हूँ। अगर ये फैक्ट्री आज चल रही होती तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन ये आज बंद है और ये बहुत निराशाजनक है। यहाँ हर चीज चालू हालत में है। ये डर नहीं है कि ये मशीनें काम नहीं कर रही। मैं हमेशा यही होता हूँ। हमें ये देखकर ही दुख होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो जिंदगियों पर असर डाल सकता है। सब कुछ आसपास है पर बंद पड़ा है। ये खीज को और बढ़ा देता है। अगर ये फैक्ट्री आज शुरू हो जाए तो ये पूरे उत्तरी हिस्से की तस्वीर बदल देगी। हम यहाँ आते रहते हैं, यहाँ की देखभाल करते हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं कि एक दिन ऐसा हो। हेलो, मैं व्यापार मंत्री से बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पोलुगु की नॉर्दर्न स्टार टमाटर फैक्ट्री से बोल रहा हूँ। क्या आप इटली और चीन से आयात होने वाले टमाटरों के बारे में कुछ कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास घाना में अच्छी किस्मों के टमाटर मौजूद हैं। अगर आप हमारी सहायता करेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं जिससे ये फैक्ट्री चल पाएगी। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझता हूँ। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अगर उस फोन कॉल पर खुद व्यापार मंत्री भी मौजूद होते तो भी वो टमाटरों के आयात को इतनी आसानी से नहीं रोक सकते थे।
ये व्यापार नीतियाँ एक वैश्विक प्रतियोगिता जैसी हैं, जो जितना ताकतवर है उसके पास मुनाफे वाले बाजारों तक पहुँच बढ़ाने का उतना ही मौका होता है। नुकसान काम करने वाले आम लोगों के हिस्से आएगा। बेनेडिक्टा अफ्रीफा टमाटर उगाती हैं। वो टुआबाडोम में खेती करती हैं, जो घाना में टमाटर पैदा करने वाली बेल्ट का हिस्सा है। पैदावार काटने के सीजन में काम मिलने के इंतजार में बैठे मजदूर यहाँ फैली बेरोजगारी का आलम बयां कर रहे हैं। साल के सबसे व्यस्त महीनों में भी कई लोगों को काम नहीं मिल पाता। घाना की करीब आधी आबादी कृषि पर आश्रित है। टमाटर की जबरदस्त खेती का ये उद्योग यहाँ के ग्रामीण इलाकों में विकास को बढ़ावा दे सकता है। टमाटर उद्योग के फलने फूलने के लिए देश के सबसे उपजाऊ मध्य इलाके से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पर अब फैक्ट्रियां घरेलू पैदावार नहीं खरीद रही, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बेनेडिक्टा एक हेक्टेयर जमीन पर टमाटर उगाती हैं। जब यहाँ बारिश नहीं होती तो हमें रोज पानी खरीदना पड़ता है। पानी का एक टैंकर 120 सेडिस यानी करीब 20 यूरो का पड़ता है, और वो पूरे खेत के लिए पर्याप्त भी नहीं होता। हम लगभग 1.5 महीने तक रोज पानी खरीदते हैं। बारिश हो जाने तक ऐसा ही चलता है। यहाँ हमारे सामने कई समस्याएं हैं, जो इस देश में रहना मुश्किल बनाती हैं। यहाँ काफी तादाद में अनाज उगता है। यहाँ किसान और भी ज्यादा जमीन पर खेती कर सकते हैं, ज्यादा मजदूरों को भी काम पर रख सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कमी है। अगर उन्हें बीज और खाद खरीदनी है, सिंचाई के पानी के लिए पैसा देना है, तो उन्हें लोन लेना पड़ता है। हमारे पास खाद खरीदने के पैसे नहीं हैं। सब कुछ महंगा है। हम अपनी पकी पकाई फसल बेचने के बाद भी कर्ज में नहीं रह सकते। मुझे पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना है, इसलिए मुझे अब रेगिस्तानी इलाके में जाकर कोई और काम तलाशना होगा। जो लोग यहाँ से यूरोप पहुँच गए, उनका जीवन हमसे बेहतर है। हमारे लिए जीवन मुश्किल है। हर रोज यहाँ लोगों को आप संघर्ष करता देखते हैं और फिर कुछ हासिल नहीं होता। मैं तो तैयार हूँ, जैसे ही मौका मिला, आज या कल मैं रेगिस्तानी इलाके की ओर चल दूंगा। मेरा खेत बर्बाद हो रहा है और बैंक वालों को लोन चुकाना है। अब जब फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, तो बेनेडिक्टा जैसे किसानों को अपनी पैदावार बाजार के धन्ना सेठों को बेचनी पड़ती है, जो उसे शहरों में बेचते हैं। फसल कटाई के सीजन में यहां जरूरत से ज्यादा पैदावार होती है, इसलिए किसानों को मजबूरी में फसल औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती है। मैंने 320 सेडीज दाम मांगा, पर उन्होंने 270 सेडीज कहा और कहा कि बाकी जगह तो इससे भी कम मिलेगा। इस रेट में मेरी कोई कमाई नहीं होगी। आज काम ठीक से नहीं हो रहा। नहीं, दिन अच्छा नहीं है। 2 हफ्ते पहले हमने ये टोकरी करीब 550 सेडीज की बेची थी, और ये बड़ी वाली 700 सेडीज की, लेकिन अब तो इन टोकरियों के दाम गिरकर 60 या महज 50 सेडीज के आसपास रह गए हैं। अगर आज की तरह ही बाजार में दाम अच्छे नहीं मिले, तो हमें अपनी सारी पैदावार यूं ही निकालनी पड़ेगी। वो जो दाम कहेंगे, उसी पर हमें बेचना पड़ेगा। घाना में टमाटर खाने का अहम हिस्सा है। सब्जियों की खरीद में से 40% हिस्सा टमाटरों का ही होता है। घाना के मध्यवर्गीय परिवारों को डिब्बा बंद टमाटर पसंद है। इस मांग के एक हिस्से की आपूर्ति घाना खुद कर सकता है, लेकिन यहाँ बाजार में मिलने वाले डिब्बा बंद टमाटर घरेलू नहीं है।
कुछ चीन से आए हैं, कुछ इटली से, कुछ स्पेन से और कुछ अमेरिका से। मुझे बहुत खुशी होगी अगर घाना की ही एक कंपनी टमाटरों का उत्पादन करे और फिर उन्हें डिब्बों में पैक भी कर सके। किसी दूसरे देश से आयात करके उसे यहाँ लाने में इतना पैसा खर्च होता है, जबकि उस पैसे को वो देश में लगा सकते हैं। इससे हमारे देश का ही विकास होगा। बेनेडिक्टा के पति इटली जा चुके हैं इस उम्मीद से कि वो वहाँ पैसे कमाकर अपने परिवार की मदद कर पाएंगे, बच्चों की स्कूल फीस भर पाएंगे और साथ ही घर और खेतों की सिंचाई के लिए कुआं बनाने के लिए पैसे जोड़ पाएंगे। मेरे पति घाना के मुकाबले वहाँ ज्यादा कमाई कर सकते हैं। वो हर महीने मुझे पैसे भेजते हैं मेरे लिए और हमारे दो बच्चों के लिए। इस गांव में साफ तौर पर दिख जाता है कि किन घरों के परिवार वाले यूरोप में रहते हैं। वे वही लोग हैं जिनके पास पक्का घर है। इस उद्योग पर मंडरा रही समस्याओं के बावजूद यहां आज भी कई लोग टमाटर उगा रहे हैं। बेनेडिक्टा का घर अभी निर्माणाधीन है। वो फिलहाल किराए के घर में रह रही हैं। कई लोगों को डिब्बे बंद टमाटर इस्तेमाल करना पसंद है क्योंकि उन्हें काम में लेना आसान होता है। बस पानी डालिए और तैयार। लेकिन मुझे ताज़ा टमाटर ही अच्छा लगता है। मेरे चार दोस्त हैं जो टमाटर की खेती करते हैं और वो सभी अब रेगिस्तानी इलाके की ओर जाना चाहते हैं। मेरे पति यूरोप में रहकर पैसा कमा रहे हैं और मैं यहाँ काम कर रही हूँ। हम इसी तरह से घर चलाते हैं ताकि बच्चे स्कूल जा पाएं। हम उनकी कमाई से किराया देते हैं और बाकी पैसों को घर बनाने में लगा रहे हैं। अगर वो इधर होते तो हमारे लिए हालात और मुश्किल हो जाते। मुझे ये देखकर हमेशा खुशी होती है कि लोग यहाँ से निकलकर अपनी किस्मत आजमाने कहीं और जा रहे हैं। हेलो, तुम कैसे हो? घर पहुँच गए या नहीं? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं बाद में फोन करूँगी। मैं बाद में करती हूँ, बाय। वो अभी इटली में है। पहले वो सेब के फार्म में काम करते थे, बाद में उन्होंने टमाटर की फसल पर काम किया और अब वो जानवरों की देखरेख करते हैं। ज्यादातर घाना के प्रवासी दूसरे पश्चिम अफ्रीकी देशों में रहते हैं। कई तो अमेरिका और कनाडा में भी रहते हैं और यूरोप में भी। घाना के इन किसानों के लिए यूरोप पहुंचने का कोई वैध रास्ता नहीं है। ज्यादातर लोग सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर पार कर वहां जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IOM के मुताबिक पिछले 5 सालों में 16,000 घाना वासियों ने इटली जाने के लिए यही रूट अपनाया। अफ्रीका से आने वाले कई प्रवासी दक्षिण इटली में बस जाते हैं। यहाँ उगने वाले टमाटरों को प्रोसेस और डिब्बों में बंद करके कम दामों में अलग अलग जगहों पर बेचा जाता है, जिसमें घाना भी शामिल है। उत्पादन में मिलने वाली सब्सिडी के कारण इटली के टमाटरों को घाना के घरेलू टमाटरों के मुकाबले बिक्री में ज्यादा फायदा मिलता है।
ये अफ्रीकी सीजनल मजदूर टमाटरों के दामों की समस्या को और बढ़ावा देते हैं। वो यहाँ बेहद कम वेतन पर काम करते हैं, जिससे इन टमाटरों की उत्पादन लागत और कम हो जाती है। इनमें से कुछ ही लोगों के पास रहने के लिए जरूरी परमिट है। इन दिहाड़ी मजदूरों पर लोकल माफिया जुल्म ढाता है। इन माफिया को कापुराली नाम के एजेंट्स ने रखा होता है। ये बिचौलिए अपना कमीशन काट कर प्रति क्रेट के हिसाब से इन्हें वेतन देते हैं। इस क्रेट के लिए तुम्हें 3.5 या 4 यूरो मिलते हैं। इतनी बड़ी क्रेट के लिए सिर्फ 3.5 या 4 यूरो। यानी सुबह से शाम तक काम करने के बाद आखिर में तुम्हारे हाथ 20 या 30 यूरो आते हैं एक दिन में। अगर ये बात हम अफ्रीका में किसी को बताएंगे तो उन्हें यकीन नहीं होगा। हम बहुत मेहनत करते हैं, इन सारे घास फूस को देखो। किसी को विश्वास नहीं होगा कि हम इटली में ये काम करते हैं। ये रास्ता है। 10 लोग मिलकर भी इसे नहीं उठा सकते। बिल्कुल नहीं, इसके लिए तो सामान उठाने वाली मशीन चाहिए। ये बहुत मेहनत का काम है। ये टमाटर इस घास फूस के अंदर दबे रहते हैं, आपको उन्हें खींच कर बाहर निकालना पड़ता है। क्या कभी किसी इटली के नागरिक को ये काम करते हुए देखा? पूरे इटली के किसी फार्म में नहीं। वो लोग तो सिर्फ मशीनों पर काम करते हैं। No farm Italian man is. Italian they work on the machine. I did tomatoes for Ghana and here. मैं घाना में भी टमाटर के खेत में ही काम करता था और अब यहाँ भी। लेकिन हम वहाँ ऐसे काम नहीं करते थे जैसे इटली में करते हैं। घाना में हम चुन चुन कर पके हुए टमाटरों को तोड़ते थे और कच्चे वालों को छोड़ देते थे। मेरे पिता और मेरी माँ दोनों ही किसान हैं, वो भी टमाटर की खेती करते थे। लेकिन कंपनी बंद हो गई, इसीलिए मैं इटली में काम खोजने चला आया और अब यहाँ मैं इन बस्तियों में रहता हूँ। आप देख रहे हैं ये घर, ये हम खुद बनाते हैं। एडवर्ड और उनके जैसे दूसरे मियादी मजदूर इन बस्तियों, टूटी फूटी झोपड़ियों या खेत में तंबू लगाकर रहते हैं। यहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना साफ सफाई की, ना ही बिजली है और ना हीटिंग। उन्हें नहीं मालूम कि मैं किन हालात में रहता हूँ। उन्हें बस ये पता है कि मैं इटली में हूँ, लेकिन कहाँ रहता हूँ ये नहीं पता। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया। अगर बता दूंगा तो वो परेशान होंगे। आप यहाँ कैसे भी हालात में रहें, बावजूद इसके आपको अपने परिवार की देखभाल के लिए संघर्ष करना है, अपने माता पिता और कभी कभी तो रिश्तेदारों के लिए भी। उन्हें परेशानी होगी तो वो आपको ही फोन करेंगे और आप उनकी मदद के लिए इनकार नहीं कर सकते। तो हम यहाँ संघर्ष करते रहते हैं, हमें भले ही यहाँ दिक्कत हो लेकिन हम खुद को दाव पर लगाकर भी परिवार की मदद करेंगे। यहाँ भीषण गर्मी होने पर एडवर्ड और रास्ता टेंट में सोने के बजाय यहाँ बाहर सोते हैं। एडवर्ड इटली में पिछले 4 सालों से हैं। वो इसी उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि एक दिन इतना पैसा जोड़ लेंगे कि घर लौट सकें। लेकिन अपनी कमाई का कुछ हिस्सा घाना में परिवार को भेजने के बाद उनके खुद के लिए मुश्किल से कुछ बच पाता है। क्या हो रहा है? मैं थक गया, आज बहुत काम था। तुम काम करके थक गए? मैं जख्मी हूँ और मुझे यहाँ पूरे दिन बैठे रहना पड़ा। मुझे अब सो जाना चाहिए, सुबह 4 बजे उठकर काम पर जाना है। आज तुमने कितना काम किया? 10 क्रेट। 10 क्रेट, ये काफी अच्छा है। हमारे पास और विकल्प भी क्या है? हम यहाँ आराम करने के लिए नहीं हैं। ये मुश्किल है। शायद इस बियाबान जगह में आने से अच्छा होता हम अपने घर पर ही रहते। Check
चेरी नियोला में पिएट्रा डी स्कार्टो एक सहकारी समिति है जहां ऑर्गेनिक टमाटरों की खेती होती है। यहां भी अफ्रीका से सीजनल मजदूरों को नौकरी पर रखते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा वेतन मिलता है और उन्हें बकायदा कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। ये कापोरा लाटो के उन दिहाड़ी मजदूरों की तरह नहीं है जो शोषण करने वाली व्यवस्था की दया पर काम कर रहे हैं। डियान शेख सेनेगल के रहने वाले हैं और कई खेतों में काम कर चुके हैं। मैंने जब से यहाँ काम करना शुरू किया तब से मुझे समझ आया कि बाकी खेतों में चल क्या रहा है। मुझे तो पहले लगता था कि इटली में इसी तरह से काम होता है, लेकिन यहाँ आकर मैं समझा कि असल में अब तक हमारा शोषण हो रहा था। मेरे साथ आइए। पिएट्रो फ्रागासो इस सहकारी के प्रमुख हैं। वो सामयिक मजदूरों की इस पीड़ा को लेकर जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। हमें उपभोक्ताओं को ये बताना होगा, आप जो ये 40 सेंट्स में टमाटर की प्यूरी खरीद रहे हो, इसके लिए एलेक्स, अब्दुल, जिसेपे और अंतोनियो जैसे लोगों का शोषण हुआ है। उन्हें ऐसे दयनीय हालात में काम करने को मजबूर किया गया है जहां ना मूल अधिकार हैं, ना पानी है, ना बिजली है। तो क्या अब भी आप इन टमाटरों को खरीदना चाहेंगे? प्रोसेस टमाटर बाजार में बेहद मामूली दामों पर बेचे जाते हैं, जबकि उसमें तोड़ने, प्रोसेस करने, पैकिंग और ढुलाई का खर्च भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ सिर्फ मुनाफे से मतलब होता है, इसलिए इस तरह के एक किलो टमाटर पर महज 5 सेंट्स की मामूली कमाई हासिल होती है। तो अगर एक किसान के तौर पर मुझे प्रति किलो सिर्फ 5 सेंट्स हासिल हो रहे हैं तो मैं उससे अपना जीवन कैसे चलाऊंगा? ये नामुमकिन है। मुझे बीज खरीदने हैं, सिंचाई करनी है, खाद चाहिए, एक ट्रैक्टर किराए पर लेना होगा। ये सब तो स्थायी खर्चे हैं। इसमें सिर्फ एक अस्थायी खर्चा है और वो है मजदूरों का वेतन। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कापोरा लाटो सिस्टम एक नतीजा है, एक ऐसे बाजार का नतीजा जो पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा चुका है। पिएट्रो इस सिस्टम को हराना चाहते हैं। उनके खेत में उगने वाले टमाटर जायज व्यापार संगठन के जरिए 5 की बजाय 30 सेंट्स प्रति किलो के मुनाफे के साथ बेचे जाते हैं। उन्हें ऐसी फैक्ट्रियों में प्रोसेस किया जाता है जहां शोषण नहीं होता। उपभोक्ता इन उत्पादों के लिए ज्यादा रकम चुकाते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उनका चयन नैतिक आधार पर सही है। इस तरह की सट्टा आधारित अर्थव्यवस्था ने खाद्य पदार्थ को एक तरह की वस्तु में बदल दिया, जिसे बाजार में इस तरह से पहुंचाया जाता है कि कोई दूसरा खाद्य पदार्थ पर सट्टा लगाकर मुनाफा कमा ले। इस तरह का शोषण सिर्फ टमाटर उत्पादन उद्योग में ही नहीं है, बल्कि तरबूज और कई दूसरे कृषि उत्पादों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ अक्सर यही होता है। इस वैश्विक व्यवस्था से बचना आसान नहीं है। इसके लिए खेत से लेकर उपभोक्ता तक जाने वाली हर कड़ी को दोबारा दुरुस्त करने की जरूरत है। मुसीबत से दूर रहो। पिएट्रो ये साबित करना चाहते हैं कि नैतिक तरीके से भी प्रोसेस टमाटरों का उत्पादन हो सकता है। वो चाहते हैं कि उनकी सहकारी समिति एक उदाहरण बने, एक ऐसा छोटा कदम जिससे इस पूरी उत्पादन व्यवस्था को बदला जा सके। यहाँ रोज सैकड़ों की तादाद में ट्रक निकलते हैं। वो रोज कई टन टमाटरों की ढुलाई करते हैं। हमें ये फैसला करना होगा कि क्या ये टमाटर इतने दाम चुकाने लायक भी हैं? अगर नहीं तो हम अभी भी गुलामी में फंसे हुए हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें घाना में हालात सुधारने की जरूरत है ताकि इन लोगों को यहाँ आने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति इसे मुमकिन नहीं होने देगी। घाना में कोई टमाटर प्रौद्योगिकी उद्योग है ही नहीं। ये अपने आप में बताता है कि ये पूरी व्यवस्था कितनी बीमार है, कितनी अस्त व्यस्त है। यूरोप में औद्योगिक स्तर पर खेती सब्सिडी और वेतन में गिरावट के कारण जरूरत से ज्यादा पैदावार होती है। कम दाम वाले यूरोपीय टमाटर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात कर दिए जाते हैं। आज वैश्विक टमाटर उद्योग में इटली एक छोटा सा प्यादा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन सस्ता और काम चलाऊ पदार्थ मिलाकर तैयार टमाटर का पेस्ट दुनिया भर में निर्यात करता है, 6 करोड़ टन प्रति वर्ष, यानी इटली से 10 गुना ज्यादा। वैश्विक निर्यात के मामले में सबसे अहम मानक है मुनाफा।
उत्पादों का आयात करने वाले देशों पर उसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। व्यापार नीति कोई विकास नीति नहीं है, और वैसे भी अफ्रीका एक मुनाफे वाला बाजार है। निर्यात करने वालों के लिए अफ्रीका से बढ़कर कोई बाजार नहीं। एक जिम्मेदार और बड़ा देश होने के नाते चीन हमेशा ही स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देता रहा है। हम अफ्रीकी देशों के साथ अपने आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसमें घाना भी शामिल है। हम चीन के औद्योगिक संगठनों और उद्योगों को प्रेरित करते रहेंगे कि वे अफ्रीका में आकर चीन के प्रमुख ब्रांड्स और गुणवत्ता वाले उत्पादों को यहाँ के बाजारों और उपभोक्ताओं के सामने रखें। स्वतंत्र व्यापार वो सिद्धांत है जो अफ्रीकी बाजारों को निर्यात के उत्पाद हासिल करने के लिए खोल देता है। आजादी के बाद अफ्रीकी देशों ने अपने घरेलू किसानों और लघु उद्योगों को संरक्षित रखने के लिए कस्टम ड्यूटी लागू की, लेकिन अब वो रोक हटाई जा रही है। ये जानते हुए भी कि ज्यादातर अफ्रीकी देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मुकाबला करने में कमजोर है, घाना ने बाहर से आने वाले टमाटर उत्पादों पर आयात कर बढ़ाकर 40% कर दी थी। तब उसे दबाव झेलना पड़ा था, अब वो दरें 10% हो गई हैं और सस्ते दाम वाले विदेशी टमाटरों के कंटेनर लगातार यहां आ रहे हैं। अर्थशास्त्री कोबेना ओटू इस समस्या से वाकिफ है, और एक शिक्षाविद होने की वजह से वो घाना सरकार के मुकाबले ज्यादा स्वतंत्र रूप से बात कर सकते हैं, क्योंकि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को साथ लेकर चलना होता है। मुझे तो ताज़ा ही चाहिए। नहीं, ये तो चीन के हैं जो डिब्बा बंद है। ये चीन से आया है। Only 30% tomato, about 70% starch. सिर्फ 30% टमाटर और 70% स्टार्च। इन उत्पादों के साथ दिक्कत ये है कि ये टमाटर के घरेलू बाजार पर कब्जा कर लेते हैं, यानी बड़ी तादाद में टमाटर उगाने वाले किसान अपना सामान नहीं बेच पाते। ये थाईलैंड का है, ये वहाँ का चावल है। हमारे पास चावल की खेती के लिए भरपूर ज़मीन है, पर फिर चावल उगाने वाले किसान भी वैसी ही दिक्कतों का सामना करते हैं जैसे टमाटर उगाने वाले किसान। यहाँ भारी मात्रा में चावल की खपत होती है। एक अनुमान के अनुसार हम हर साल 50 करोड़ डॉलर का चावल आयात करते हैं। टमाटर का पेस्ट और चावल सिर्फ इन दो उत्पादों के कारण ही अफ्रीका के बाजार और किसानों का जीवन अस्त व्यस्त नहीं है, बल्कि 2018 में यूरोपीय संघ ने मिल्क पाउडर कॉन्सेंट्रेट और मीट भी पश्चिम अफ्रीका में निर्यात किया था। अकरा के इस बाजार में नजर घुमाएं तो दिखेगा कि कैसे इस आयात ने घरेलू सामानों को खदेड़ दिया है। घाना के कई पोल्ट्री किसान भी काम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो यूरोपीय संघ से आयात किए गए उत्पादों का मुकाबला नहीं कर सकते। 1990 के दशक में घाना अपने देश की पोल्ट्री से जुड़ी मांग का 90% उत्पादन करता था, लेकिन अब हम सिर्फ 5% करते हैं। बाजारों में ज्यादातर पोल्ट्री उत्पाद यूरोपीय बाजारों का वो कचरा है जो यहाँ भेज दिया जाता है। बाहर से आने वाले 95% पोल्ट्री उत्पाद बेरोजगारी को जन्म देते हैं, वो लोगों की जीविका उजाड़ते हैं, गरीबी का कारण बनते हैं और मानसिक हताशा बढ़ाते हैं। इसी वजह से आज कई नौजवान देश छोड़कर जाना चाहते हैं। हमारे पास इसे बदलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि हम अपनी नीति पर नियंत्रण खो चुके हैं। 2 साल पहले रवांडा ने अमेरिका से आने वाले सेकंड हैंड कपड़ों के आयात पर रोक लगा दी थी, और फिर अमेरिका ने उसे अफ्रीकन ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी एक्ट से बाहर कर दिया।
तो ऐसे नतीजे आपको झेलने पड़ सकते हैं अगर आप इस व्यापार नीति को लोगों के हित में बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्वतंत्र व्यापार से लोगों की जीविका तबाह नहीं होनी चाहिए। मुझे ये सब उदास कर देता है, कभी कभी तो गुस्सा भी आता है, क्योंकि मुनाफा कमाने वाले चुनिंदा हैं, पर बुरा असर झेलने वाले कई गुना। टिमोथी अपानिया एक कृषि सलाहकार हैं। वो उत्तरी घाना के पोलुगु में बंद पड़ी टमाटर फैक्ट्री के पास ही रहते हैं। यहाँ के और लोग भी परेशान हैं। कई किसान वहाँ से जा चुके हैं, बाकी के वैकल्पिक अनाज लगाकर प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग अब भी टमाटर की खेती करते हैं, लेकिन सिर्फ परिवार के इस्तेमाल के लिए। जब आप इसे जड़ से निकालें, तो इसकी मिट्टी झाड़ लें, फिर कीटाणु पैदा नहीं होंगे। यहाँ सब तरफ टमाटर की खेती थी। जब पोलुगु की टमाटर फैक्ट्री चालू थी, तब यहाँ लोगों की अच्छी आमदनी थी। मुझे लोगों ने ही बताया कि वो काफी पैसा कमा लेते थे, क्योंकि उस वक्त फैक्ट्री में भी मांग होती थी और बाजार में भी। लेकिन क्या करें, आपको जीना तो है ही, तो हम जितना कर सकते हैं उतनी कोशिश करते रहनी होगी। यहाँ जमीन उपजाऊ है और टमाटर की पैदावार भी काफी अच्छी थी, पर बात जब आती है बाजार की, तो बाजार ही नहीं है, सब कुछ खेतों में ही बर्बाद हो जाता है। यहाँ किसान तो फसल उगाते, पर खरीदार नहीं आते, और ये आत्महत्या की वजह बनती है। वो अपनी जान लेने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो बैंक उनसे पैसा वसूलने आ जाता और उनके पास चुकाने के लिए पैसे थे नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ से निकलकर दूसरी जगह किस्मत आजमाने जाते हैं। ज्यादातर लोग शहरों का रुख करते हैं। सलीफू पहले कुमासी गए, फिर वो अकरा गए, अब वो यूरोप जाने की योजना बना रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते, मैं इस बात से खुश नहीं हूँ। मुझे पता है कि उन्हें स्कूल भेजना चाहिए, लेकिन मैं उनकी फीस नहीं जुटा सकता। कभी कभी तो हमारे पास रात का खाना खाने के भी पैसे नहीं होते। हमने भूमध्य सागर में जान गंवाने वाले प्रवासियों की तस्वीरें देखी हैं। मेरी पत्नी मेरे सुरक्षित सफर की प्रार्थना कर रही है, उसे यकीन है कि मैं अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दूंगा। मैं सफर के दौरान भगवान से प्रार्थना करूंगा। भगवान चाहते हैं हम उनकी प्रार्थना करें और किसी भी परिस्थिति में उन पर विश्वास रखें। ये घर मेरे भाई ने बनाया है जो अकरा में रहता है, और ये वाला कुमासी वाले भाई ने। ये मेरा घर है, जब मैं वापस आऊंगा तो इसे गिराकर कंक्रीट का बनवाऊंगा, और एक अपनी माँ के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा सफर सुरक्षित हो। सलीफू जैसे लोगों के लिए सीधे वीजा लेकर प्लेन में बैठकर यूरोप चले जाना मुमकिन नहीं है। उनके पास एक ही विकल्प है कि वो जितना हो सके पैसा जमा करके वहां जाने का रास्ता खुद खोजें।
जो पैसा जमा कर लेता है वो जाने से पहले इस गांव के ट्रैवल एजेंट से मिलता है। यहाँ सलीफू को जाने से पहले कुछ सलाह दी जा रही है। वहाँ 71 चेक पॉइंट आएंगे जहाँ तुम्हें पैसे देने होंगे। अगर तुम्हारे पैसे खत्म हो गए तो वो तुम्हें पीटेंगे तरस खाए बिना। वहाँ कुछ हथियार बंद दल भी होंगे जो तुम्हें रोक सकते हैं और तुम्हारे साथ बदतमीजी कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ जाने से आम तौर पर तुम्हें ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। जब तुम समुद्र के पास पहुंच जाओगे कोई ना कोई तुम्हें बोट में सीट दिलवा देगा। वो अक्सर जरूरत से ज्यादा लोग भर लेते हैं जो खतरनाक हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो तुम मना कर देना। तुम कहना कि तुम्हें ओवरलोडेड बोट में नहीं जाना। फिर वो सीटों के मुताबिक ही लोगों को बिठाएंगे। तो तुम्हारा काम है हमें उस बोट तक हिफाजत से पहुंचाना। एक बार जब हम बोट पर चढ़ गए फिर तुम कोई मदद नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना? जब तुम समुद्र में होगे उसके बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तब तुम होगे और तुम्हारा भगवान। मुझे पंख नहीं लगे कि उड़कर आ जाऊं और तुम्हें बचा लूं। हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। हालात के मुताबिक हमें ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा। अगर मैं मर भी गया तो मेरे बच्चों को मुझ पर गर्व होगा, क्योंकि मैं कोई चोरी या डाका डालते हुए नहीं मरा बल्कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मरा। ये मान लेंगे कि शायद भगवान की मर्जी नहीं थी। अब तो ये कहना मुश्किल होता है कि यहाँ कोई बाजार जा रहा है या यूरोप के सफर पर। जो इस सफर पर जाने का फैसला करते हैं वो निकलने के बाद ही अपने परिवार को इस बारे में बताते हैं। इस इलाके में बहुत सारे नौजवान अपनी जिंदगी बदलने का इंतजार करते हुए थक चुके हैं। वो उस मुकाम पर आ चुके हैं जहाँ से जाना ही उन्हें एकमात्र विकल्प लगता है। इटली के टमाटर के खेतों में काम करने जाने वाले पुरुषों के लिए यूरोप पहुंचने का एक ही रास्ता है, सहारा रेगिस्तान और भूमध्य सागर को पार करके जाना। और कुछ लोगों को इस सफर की कीमत जान देकर चुकानी पड़ जाती है। कैरिटास नाम की राहत संस्थान ने यहाँ अपूलिया में टमाटर के खेतों के पास एक चर्च बनाया है। यहाँ नहाने की सुविधा है और मजदूरों को मुफ्त मेडिकल इलाज और सलाह दी जाती है। एडवर्ड ने अफ्रीका से यूरोप का सफर तो सुरक्षित तय किया, लेकिन यहाँ खेतों की ओर आते हुए उनका वैन से एक्सीडेंट हो गया। यूँ तो सामान्य तौर पर ऐसे हालात में उनके इलाज का खर्चा कर्मचारी मुआवजे के तहत हो जाता और एडवर्ड को बीमारी के लिए छुट्टी भी मिलती, लेकिन यहाँ अपूलिया के टमाटर वाले खेतों में उन्हें सिर्फ क्रेट भरने का ही पैसा दिया जाता है, इसलिए उन्हें अपने आप ही इसका इलाज करवाकर जल्द से जल्द काम पर लौटना होगा। लेकिन डॉक्टर जोवानी मैग्निफिको उनकी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकते हैं।
उसे अभी काम पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसकी चोट पर धूल और मिट्टी लग सकती है जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा है। उसके सिर में भी दर्द है, उसके सिर में झटका लगा है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कमाएंगे। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए या कुछ भी खाने के लिए देना चाहिए, और जब वो काम पर लौटेंगे तो उनके हाथ खाली होंगे, सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। उनके पास कुछ भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा है जो उनकी मदद कर सके। तुम शुक्रवार को वापस आ जाना, मैं जख्म देख लूंगा, ठीक है? घाना जैसे देश में वित्तीय मदद पहुंचाने में इन प्रवासियों का बड़ा योगदान है। एडवर्ड हर महीने अपनी कमाई की कुछ रकम अपने घर भेजते हैं, बावजूद इसके कि उनका वेतन बेहद कम है। वो जितना हो सकता है उतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो काफी नहीं हो पाता। वो यहाँ न सिर्फ अपने परिवार का बोझ लेकर बल्कि स्थानीय लोगों से डरते हुए जी रहे हैं। इटली के कई निवासियों को लगता है कि हम नाकारा हैं। वो हमसे डरते हैं क्योंकि हम अश्वेत हैं। उन्हें मजदूरों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास काम करने के लिए जरूरी कागजात नहीं है। ये बहुत गलत है। सिर्फ उन्हें ही पता है कि वो क्या करते हैं। मेरा छोटा भाई जूनियर क्लास में पढ़ता है, जिसे हमेशा मेरी मदद का इंतजार रहता है, स्कूल की फीस के लिए, किताबों के लिए, और वो सब कुछ जो एक विद्यार्थी को चाहिए। अपने परिवार की देखभाल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बिना पैसों के वो कुछ नहीं कर सकते, तो मैं कैसे भी करके पैसे कमाता हूँ ताकि परिवार का भविष्य बेहतर बना सकूँ। हेलो भाई, कैसे हो? क्या तुम मुझे सबका फोन नंबर भेज दोगे? मेरा फोन चोरी हो गया और मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया था। अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम्हें चिंता हो जाती। मैं अब काफी ठीक हूँ। क्या हो गया था? हम काम के लिए जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। क्या तुम्हें चोट लगी है? हाँ, थोड़ी लगी है, लेकिन मैं ठीक हूँ। माइक कैसा है? वो अकरम एक खुदाई का काम सीखना चाहता है जिसकी फीस 500 यूरो है। मैंने सोचा था कि घर वापस जाकर अपने लिए कुछ करूंगा। लेकिन अब मेरी उम्र बढ़ रही है। मेरे दोस्त अभी काम पर गए हुए हैं। वो जब तक लौटेंगे मैं उनके लिए कुछ खाने को बना दूंगा। देखो, वो काम से वापस आ रहे हैं। अभी 7:30 बज चुके हैं।
ये माकू है जो अफ्रीका में ताजा मक्के से बनता है, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलता। यहाँ सेमोला इस्तेमाल होता है, एक तरह से इटली का बाकू है। मैं जब इसे बनाता हूँ तो मुझे घर की याद आ जाती है, क्योंकि मेरी माँ भी इसी तरह से बनाती थी। हम सब संघर्ष कर रहे हैं। हम हमेशा साथ बैठकर खाते हैं, भाइयों की तरह। हम सारे टमाटर की एक क्रेट में फिट हो जाएंगे। मैं अपने परिवार को जानवर खरीदने के लिए पैसे भेजता हूँ, फिर वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं इस साल कम पैसे भेजे हैं। इतनी रकम भेजने के बाद वो फ़ोन करके बोलते हैं कम पैसे भेजे। हम ऐसे घर नहीं लौट सकते, हम इस तरह से अफ्रीका वापस नहीं जा सकते। हम अफ्रीका छोड़कर आए हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें छोड़कर हम कैसे अफ्रीका लौट जाएं? यही कारण है कि हम अभी वापस नहीं जा सकते। मैंने यहाँ इतने साल बिताए हैं और मैं अपने देश बिना कुछ कमाए कैसे लौट जाऊँ? लेकिन मैं जानता हूँ एक दिन तो ऐसा आएगा कि भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मुझे कामयाबी मिलेगी। टेचीमान कस्बे के पास एक व्यक्ति ने बंद पड़े स्थानीय टमाटर उद्योग में फिर से जान फूंकने का प्रण लिया है। विल अपार्लू ओफोरी जब कुछ साल पहले घाना लौटे तो देखकर दंग रह गए कि यहाँ फैक्ट्रियां बर्बाद हैं, किसान तड़प रहे हैं और बाजार में भारी मात्रा में आयात किया गया टमाटर बिक रहा है। अमेरिका में पढ़ाई और फिर नौकरी करने के बाद अब वो यहाँ लौट कर अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। घाना के टमाटरों में सोने की खदान बनने की क्षमता है, लाल सोना, पर उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी एहसास है। किसानों की जेब तक उचित रकम पहुंच पाए, यही सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि लंबे समय से चल रहे कृषि के इन हालात की वजह से उन्हें मुनाफा नहीं हो पा रहा। इससे यहाँ का पूरा माहौल बदल जाएगा, क्योंकि एक बार हमने बड़ी मात्रा में टमाटरों का उत्पादन शुरू कर दिया तो 5 से 10 साल में हम यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले टमाटरों का उत्पादन कर हालात बदल देंगे। मुझे उम्मीद है ये टमाटर नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे उगाए हुए टमाटर इसमें पैक हों और बाहर जाएं। यही हमारी सोच है कि एक दिन टेपको टमाटरों से भरा हुआ ट्रक बंदरगाह की तरफ जा रहा हो, जहां से जहाज के जरिए वो बाहर भेजे जाएं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी मिलेगी और मैं समझूंगा कि मेरा इस धरती पर होने का मकसद पूरा हो गया। घाना के टमाटर उद्योग को फिर से जीवित करने के कई प्रयास पहले भी हो चुके हैं। 2007 में यहाँ टेचीमान में फैक्ट्री भी शुरू हुई थी, जो अब सालों से बंद पड़ी है। अब इसे एक और मौका मिलने जा रहा है। घाना का ही खरीदो, घाना का ही खाओ और घाना का ही पहनो। हमें यहाँ के लिए सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा घर है। हर घंटे करीब 2 मीट्रिक टन उत्पादन करने की हमारी क्षमता है। हमें भरोसा है कि ये कंपनी इतनी फल फूल जाएगी कि वो यहाँ के किसानों
और इससे जुड़े हर व्यक्ति को नौकरी दे सकेगी और कमाई से उनकी जेबें भर सकेगी, बशर्ते यहाँ के नौजवानों को काम की गारंटी मिले, ताकि उन्हें पलायन करके रेगिस्तान या भूमध्य सागर की तरफ जाकर अपनी जान ना गंवानी पड़े। अगर सरकार इस उद्योग को घाना में जीवित रखना चाहती है तो उसे इसके संरक्षण के लिए कदम उठाने होंगे, जैसे कि देश के बाहर से होने वाले आयात पर नियंत्रण करना। लेकिन अगर सरकार ही हालात माकूल नहीं कर पाएगी तो दुर्भाग्यवश हमारे लिए मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। अगर टमाटर फैक्ट्रियों को उचित मौका दिया जाए तो हो सकता है वो इस जगह का भाग्य बदल दें। व्यापार नीतियां संघर्ष कर रहे देशों के विकास में मददगार बन सकती हैं, बजाय उसमें अड़ंगा लगाने के। फिर बेनेडिक्टा का परिवार टमाटर की खेती करके जीविका कमा सकता है, उनके पति वापस घर लौट सकते हैं, और अगर वो यूरोप में रहकर ही काम करना चाहें तो भी वो सुरक्षित तरीके से वहां जा सकते हैं और काम करते हुए बेहतर हालात में रह सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, और तुम? भगवान का शुक्र है, तुम घर पर हो? ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। हम हर सुबह बात करते हैं और हर शाम बात करते हैं। कभी कभी यहाँ देखते हैं कि 10 पुरुषों का समूह अपने सामान के साथ जा रहा है। हमें मालूम है कि वो रेगिस्तान की ओर जा रहे हैं। एक आदमी हफ्ते भर पहले निकला था, लेकिन मैंने सुना नहीं कि वो पहुंचा या नहीं। जहाँ तक खतरे का सवाल है, हम इंसान या तो मर सकते हैं या जिंदा रह सकते हैं। ये सफर भी हमारी जिंदगी की तरह है, आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। यही वजह है कि ये लोग इस सफर पर जाते हैं।